डर, डर कैसे आता है इंसान के अंदर, डर हम क्यों मना लेते हैं, क्यों हमें डर लगता है जब भी हम लाइफ में कुछ डिसीजन लेते हैं, जब हम खुद का ही डिसीजन लेकर हम उसे पूरा करने जाते हैं तो हमें डर नाम का एक जो वर्ड है उस प्रक्रिया के अंदर आ जाता है। वो आप आ नहीं जाता, वो आप खुद लेके आते हो। आज जानोगे आप डर के कुछ 5 से 6 कारण। पहला कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, लोगों की बातें सुनना अगर आप शुरू कर दोगे तो ये जो बातें हैं ये आपके अंदर एक डर बना देगी कि लोग मेरे बारे में बुरा कह रहे हैं, भला कह रहे हैं। आप उनकी बातें उस समय सुनोगे तो ये एक ऐसे बीमारी जहर के रूप में आपके मन के अंदर, दिमाग के अंदर ऐसा घर कर लेगा और एक ऐसा डर पैदा कर लेगा कि आपको हर एक छोटी सी छोटी नुकीली चीज भी एक डर लगने लगेगा उस चीज़ से। तो आप अपने इस डर को भगाने के उपाय क्या है? पहली बात, आप ऐसे लोगों से हमेशा दूरी हो जाएं। ऐसे लोग जो आपको कह रहे हैं आप मैंने एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्खता व्यक्ति के ऊपर वीडियो नहीं है, उसको देख लेना। एक गाली देने वाले, एक ज़्यादा बोलने वाले, कम बोल सुनने वाले, गाली देने वाले और ना सुनने वाले, सुनने वाले लोग, उन वीडियो देखने आपका बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी उन चीज़ों से। अभी डर आना बीमारी के करके, पैसों का डर, गरीबी का डर, बिजनेस में फेलियर का डर, सफलता ना मिलने का डर, ये चीज कारण जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ये डर आपको हमेशा बैठाएगा ही, डर ओल्ड रहेगा और आप उतने ज़्यादा डरते चले जाओगे जितने कि आपको आवश्यकता भी नहीं है अपने उस डर की। डर एक छोटा सा वर्ड है, सिर्फ आप डर तब लगते डर रहे होते हैं जब सामने आपसे विशाल चीज जो आपका दिमाग ये ऑब्जर्व कर लेता है। डरना भी जरूरी है, मैंने कहता कि डरो ना। आपसे कोई बड़ी विशाल चीज आती है और हमें वो देखकर लगता है कि यार ये मेरे से बड़ी है और मुझे इसको देखकर डर लग रहा है, तो इंसान उस चीज़ को देखकर पहले ही सतर्क हो जाता है, अलर्ट होकर साइड हट जाएगा इवन, या तो फिर उस चीज़ को छोड़कर दूसरी जगह पर चल जाएगा। तो एक डर है, अभी डर इंसान इस चीज़ को काट भी सकता है। मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। एक गांव के अंदर एक राक्षस आया जिसकी फुट हाइट कम से कम 30 फीट थी और उस गांव में हजारों लोग सहमे डरे हुए थे। उस राक्षस का काफ़ी टाइम हो चुका था, वो उनको डरा रहा धमका रहा था। तभी एक कुछ टाइम बाद एक भेड़ चिरैया वहाँ आया और वो भी उसको देखकर थोड़ा सा डरा कि भाई तुम डर क्यों रहे उससे। उन्होंने उन लोगों को कहा जो ज़्यादा ही कंपन कर रहे थे, ज़्यादा ही डर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपको दिख नहीं रहा तुझे कि ये इतना बड़ा राक्षस हमारे सामने खड़ा है, इसे डरेंगे नहीं क्या होगा? तो आप सही डर रहे हैं, एक अपने विशाल जैसी चीज़ देखोगे अपने सामने तो डर लगेगा ही। लेकिन डर ये नहीं है कि उसे मारा नहीं जा सकता, उसे डराया नहीं जा सकता, उसे हटाया नहीं जा सकता, उसे काबू नहीं किया जा सकता। अभी उस बच्चे ने, उस जो छोटा सा चिड़िया था बच्चे, उसने क्या बात बोली कि ये बड़ा है, इसका कारण ये नहीं है कि ये डरा रहा है, इसका कारण ये है कि अगर इस पर ये बड़ा है, इसका शरीर आकार बड़ा है, अगर इस पर लगा हुआ निशाना चूक नहीं सकता और इस पर निशाना लगेगा और मर जाएगा। तो उस समय वो बात सुन के हक्के बक्के रह गए और उसने करके भी दिखाया और वो मर गया। एक गुलेल से निशाना लगाया और मर चुका था राक्षस। इस तरह से एक छोटी सी चीज़ हमें बड़ी लगने लग जाती है, डर ये बढ़ा देता मन के अंदर और डर पैदा कर देता है बीमारी। एक बीमारी का डर होना, स्टीफन हॉकिंग की एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। महान वैज्ञानिक कैसे बने, ब्लैक होल की थ्योरी लेकर आए पूरी दुनिया के सामने। उनका 18 की उम्र में पूरे देख सकते हैं, पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका था। वो सिर्फ व्हील चेयर पर बैठ सकते, ना हिलना ढूल सकते, उनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन दिमाग था जो काम कर रहा था और उसी के दम पर वो ब्लैक होल की थ्योरी सामने लेके आए, पूरी दुनिया को हक्का बक्का कर दिया सिर्फ एक दिमाग की बल पर। तो इस दिमाग में ही डर है और ऐसे ही लोग ज़्यादातर लोग क्या कहेंगे इस पर भी आ जाते हैं। विराट कोहली की बात देख लो, उनके फादर जब एक डेथ हुई थी उनकी, तो उस समय उनके पास 2 ही ऑप्शन थी, उस डर के कारण या घर चले जाएं, या जो उनके पिताजी का गोल था, उनका जो गोल क्लियर था, उनकी जो जीत क्लियर हुई थी पहले, जिनकी जीत क्लियर होती ना वो कभी डरते नहीं है चीज़ से, डर पर जीत हासिल कर लेते हैं। तो वो अगले दिन खेल कर अपनी टीम को जिता कर फिर घर गए। इसी तरह से आप किसी लोगों की बातें
या सुनकर क्या कहेंगे, ये चीजें अपने को आप मत देखो। आप क्या चाह रहे हो, आपकी जीत क्या है, उस पर फोकस करो। बीमारी का डर, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनको देख लो आप। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हार्ट्स में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने कहा था फुटबॉल खेलना बंद कर दो या तो फिर बीमारी का। उन्होंने बीमारी का इलाज, ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो सका, है कुछ है कुछ का नहीं है, लेकिन दिमाग के बल पर हर एक चीज़ पॉसिबल की जा सकती है। लियोनेल मेसी, उन्हें भी तो बीमार है, खेलने के लिए हर वीक अपने राइट पैर लेफ्ट पैर में क्या इंजेक्शन लगाना पड़ता, एक वीक के लिए एक इंजेक्शन। तो बीमारी देखकर वो लोग तो बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करी, हार डर चीज़ नहीं एक्सेप्ट करी। बिजनेस में फेलियर होने का कारण, अगर धीरू भाई अंबानी इंडिया से यमन ना जाए होते, वहाँ 300 रुपये का नौकरी करने के लिए वहाँ गए, बल्कि इंडिया में तो कर सकते थे, लेकिन बिजनेस के लिए वहाँ गए। फेलियर का डर उनके अंदर भी था, लेकिन उन्होंने वो चीज़ क्लियर कर ली थी, और चीज़ क्लियर हो गई, इसलिए आज पूरी दुनिया रिलायंस के नाम से जानी जाती है। पूरी दुनिया के अंदर धीरू भाई अंबानी, उनका नाम तो आता ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता जो रिलायंस के बाद उनका नाम ना जाने। तो बिजनेस में डर होना, गरीबी का डर होना, आप गरीबी भी इंसान को ऐसे तोड़ देती है कि ये डर कुछ करेगा नहीं। तो मैं एक आपको साइडियो माने की कहानी बता देता हूँ कि बंदे के पास पहनने के लिए शूज तक नहीं थे, 160 किलोमीटर घर से जब पता चला कि उनके राजधानी में एक मैच हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है, तो वहाँ तक किराया तक नहीं था 1 रुपया, दौड़ कर गए थे उस दिन। और वहाँ उन्होंने 5 मिनट कोच के लिए कहा कि 5 मिनट मुझे दे दो, ना तुम्हारे पास जूते हैं ना तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं, सिर्फ 5 मिनट दे दो कि असली तैयारी कौन करके आया। बंदे ने वहाँ हक्का बक्का कर दिया था अपनी एक डर पर, उस जीत पर काबू करके, और सभी लोग हैरान हो गए थे। उसी कोच ने कहा कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे तुम्हारे नाम से ही जानेगी। डर, आपको जितना डरोगे आप, डर उतना डराएगा। गरीबी का डर हो, किसी बीमारी का डर हो, किसी चीज़ का डर हो, आप गरीब पैदा हुए हैं, ये गलती नहीं है। अगर आप गरीबी सोच रखते हैं, गरीबी में रहते हैं, ये आपकी पूरी की पूरी आपकी गलती है, ये सरकार की गलती, ये इसकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। डर को काबू, आपको जहाँ डर लगे उसमें छोटे छोटे स्टेप बनाओ, छोटे छोटे स्टेप बनाने के बाद उसमें देखो कि इस पे डर क्यों लगा मुझे। उस समय डर लग रहा है, उस समय शांत बैठ जाओ और नोट कर लो इस चीज़ पे कि मुझे डर लगा, वो डायरी पे अपनी नोट करके लिख लो, और उसको जब आप रिलैक्स हो जाओ खाली समय में, सोचो कि डर क्या था। उस समय आपको रियल एनालाइज होएगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं था, मैं काम खा ही परेशान हो रहा हूँ। कुछ भी चीज़ आपको एक्शन लेने के बाद सता रही हो या आप ले नहीं पा रहे हो सही से, उस समय लिख लो शांत दिमाग होकर, कह ले देखो उसको। मेरा तरीका भी यही है, मैं कई बार जब स्टार्टिंग जब 16 की एज में हुआ करता, तो उस समय डरा करता था, ऐसी चीज़ में लिखा करता था अपने पास, और मुझे बाद में खुद पे ही हंसा करता था कि ये तो कुछ भी नहीं है, दिमाग से ही पैदा हो रहा है, दिमाग पे ख़त्म। आप डरना भी जरूरी है, डरो उन चीज़ों से, गलत काम से, चोरी करने से, किसी का दिल दुखाने से, किसी को मारने से, किसी को पीटने से, उन चीज़ों से डरो ना यार। किसी अच्छी चीज़ से क्यों डर रहे आप, अच्छी चीज़ों से डरना गलत है। बुरी चीज़ों से लोग डर नहीं रहे, अच्छी चीज़ों से डर रहे हैं। अब ये तब ये गलत नहीं है और क्या नहीं है, दरअसल टोटली गलत है। रोगी डर के पीछे डर, और डर के पीछे इंसान के पीछे डर है। तो फिर आप बताओ, आप डर आगे चल रहा है या इंसान आगे चल रहा है, आप ही चैट बॉक्स में कमेंट बताना कौन सा आगे चल रहा है। आप डर को डराना सीखो, बजाय उसको अपने अंदर भी रखना। अगर इंसान को डर ही ना हो तो ये दुनिया फिर एक दूसरे को मारने पे ही तूल आए। तो डर भी रखना जरूरी है, लेकिन अच्छी चीज़ों के प्रति सिर्फ अपने अंदर, गलत चीज़ों के प्रति उन्हें दूर रखना, जैसे चोरी, चिकैती, डकैती, नशीले पदार्थ खाना, गलत चीज़ें वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं, अपमान करना, दिल दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना, संपत्ति हड़पना, ये सब गलत चीज़ है। तो इनको दूर भगाने में अपने डर को काबू करो, ये चीज़ मुझे चाहिए नहीं, मुझे अच्छा इंसान, अच्छा चीज़ अपने अंदर बनाना है। आप डेफिनेटली ऐसी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करोगे, रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, धीरे 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 आप अपने डर पर काबू कर लोगे, और फिर आप एक महान विजेता बनोगे। किसी भी फील्ड में अंदर जाओ, या तो आप सीखोगे या जीतोगे। हार नाम का वर्ड ना तो आपकी लाइफ में था, ना रहेगा, ना कभी आएगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।